होली के पूर्व विधायक अनूप गुप्ता की अगुवाई में सपाइयों का सरकार के खिलाफ हल्ला बोल, विभिन्न मांगों को लेकर मोहली एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश सिंह यादव के निर्देश पर पूर्व विधायक मोहली अनूप गुप्ता की अगुवाई में विभिन्न मांगों को लेकर एक ज्ञापन एसडीएम मोहली को सौंपा गया। इससे पूर्व ब्लॉक परिसर के समीप एकत्र सफाइयों का जोश देखकर पूर्व विधायक अनूप गुप्ता ने कहा कि प्रदेश में अराजकता व्याप्त है, बहु बेटियों की आबरू सुरक्षित नहीं है, कानून व्यवस्था की गाड़ी पटरी से उतर चुकी है। इसके अलावा बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है, उनका परिवार भुखमरी की कगार पर पहुंच गया है। वहीं भाजपा सरकार सिर्फ नौजवानों को आश्वासन का झुनझुना थमा रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार को अपनी कार्यशैली बदलनी होगी, वरना आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की जनता इस सरकार को माफ नहीं करेगी। ज्ञापन देने के दौरान मोहली विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष रमेश चंद्र शुक्ला, जिला उपाध्यक्ष देवनाथ सिंह यादव, पूर्व चेयरमैन मोहली अशोक दीक्षित, सालू गुप्ता, महामंत्री नूर हसन शाह, सपा नेता अरुण दीक्षित मोनू, ब्लॉक अध्यक्ष एलिया विवेक सिंह, सपा ब्लॉक अध्यक्ष पिसामा लाला राम यादव, मोहली ब्लॉक अध्यक्ष रविंद्र राजवंशी, सुरेंद्र अवस्थी, राजेश चौरसिया, सूरज कश्यप, रॉबिन सिंह यादव, अनूप सिंह, संतराम भार्गव, बदलू राम निषाद सहित तमाम सपाई मौजूद रहे।